9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आप फिर एक बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़े अपडेट से आपको रूबरू करवाने आई हूं। ये बड़ा अपडेट ये है कि यशवंत सिन्हा का जो रुख है वो मायावती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यशवंत सिन्हा जो है अपने रुख के तहत मायावती के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनसे उनका समर्थन मांग सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए इस रिपोर्ट को आप पूरा अच्छे से सुनिएगा। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मायावती का बयान आता है। मायावती जो है अपने पूरी बातें सामने रखते हुए साफ कर रही है कि विपक्ष की तरफ से उनको बार बार दरकिनार किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया और बीजेपी की तरफ अपना रुख कर लिया। ऐसे पूरे मामले के सामने आने के बाद, इस पूरे बयान के सामने आने के बाद जो विपक्ष के अंदर है वो हलचल पैदा हो गई, और ये खासकर ये हलचल जो है यशवंत सिन्हा के अंदर देखने को मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा जो है तमाम उन नेताओं से मिल रहे हैं जो विपक्ष में है इस वक्त, उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन मायावती का समर्थन साफ होने के बाद उन्होंने मायावती से समर्थन नहीं मांगा था। उन्होंने देखा कि मायावती किस तरीके से जो है यहाँ पर एक आदिवासी को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी तरफ हो जाएंगी, तो यहाँ पर इन पूरे मामलों को देखते हुए यशवंत सिन्हा की तरफ से ये पहल नहीं की गई थी। लेकिन जब से मायावती का बयान सामने आया तब से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर यशवंत सिन्हा जो है वो मायावती से मुलाकात कर सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, और विपक्षों की तरफ से नाराज हुई मायावती से माफी भी मांगी जा सकती है, और उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप विपक्ष की तरफ वापस से अपना रुख कर ले, आपको वही दर्जा मिलेगा जिस दर्जे की आप बात कर रही थी, आपको बीजेपी में वो दर्जा नहीं मिलेगा। तो बीजेपी को लेकर के मायावती को फिर से पिघलाने की कोशिश हो सकती है और अपनी तरफ वापस करने में सिन्हा जो है कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सिन्हा एक मंझे हुए राजनीतिकार है। ये देखा गया है कि सिन्हा अपनी पूरी प्लानिंग के तहत जो है कार्य करते हैं, अभी कितने सारे लोगों को मनाने में इस वक्त सफल भी हुए हैं, क्योंकि बीजेपी जो है एक दमदार चेहरा लेकर के आई है सामने। अब उस चेहरे के सामने यशवंत सिन्हा का टिक पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ममता बनर्जी की बातें भी चुभ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है, तो यहाँ पर जो उनके समर्थन में है वो भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि यशवंत सिन्हा जो है, जो लोग उनसे रूठ गए हैं, जो विपक्षी नेता अभी रूठ के मुर्मू के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन नेताओं को दोबारा एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर के मायावती ने सबसे बड़ा बयान दिया था कि ममता बनर्जी ने हमें किसी भी मामले में एक साथ लाने की कोशिश नहीं की, हमसे कोई बातचीत नहीं की। ये बात जो है जब से सामने आई है, तमाम तरह की दलीलें जो है वो सामने आ रही हैं कि यशवंत सिन्हा जो है इस बयान को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। आप लोग का क्या कहना है इस पूरे मामले को देख करके, आपको क्या लगता है कि यशवंत सिन्हा जो है मायावती को लेकर के कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, मायावती से जाकर के मुलाकात कर सकते हैं? तमाम मुद्दों पर आप लोग की क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK9 न्यूज़।